और आपके जो लेफ्ट राइट सब बैठे हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन भी जानना चाहूँगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे संजीव जी आज इस मौके पर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा और मीडिया को जो उन्होंने कवरेज दिया और लाउड बोलिए, क्योंकि अभी दो फिल्में जैसे आपने बोला तो एक थ्रिलर है और दूसरी हॉरर है। गोताखोर जो कर रहे हैं हम लोग वो थ्रिलर मूवी है, नाम ही सब कुछ बता रहा है कि गोताखोर इन द सेंस मतलब पानी के अंदर कुछ। एंड अगर हम बात करते हैं डैम ग्रेवयार्ड की तो वो हॉरर मूवी है, कंप्लीट हॉरर पजल वी कैन से दैट, कि नॉर्मल हॉरर होती है। लाइक मैंने अभी इससे पहले एक फिल्म बनाई थी हॉन्टेड हिल्स, 20 फरवरी को रिलीज हुई थी थिएटर, और ये मैं अभी हॉरर पजल कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है। जैसे जस्ट अभी फिल्में आ रही हैं उससे थोड़ा हटके है, बिल्कुल हटके कह सकते हैं हम लोग। और जैसे मेरे राइट साइड बैठे हुए हैं शिवा सर, ही इज़ प्लेइंग प्रीस्ट वन मोर इन गोताखोर के अंदर तो प्ले कर रहे हैं। ये बहुत जाने माने एक जो है शहर के जैसे कह सकते हैं गोताखोर का पूरा ट्रेंड करने वाला एक ट्रेनर लाइक। और दूसरी फिल्म है ग्रेवयार्ड, उसमें प्रीस्ट का कैरेक्टर कर रहे हैं। एंड मेरे लेफ्ट साइड बैठे हुए हैं कुरुशु कुरुशु देवू यस, एक फिल्म के अंदर जो डैम है उसमें प्ले कर रहे हैं, हीरोइन के फादर का कैरेक्टर है। और दूसरी जो फिल्म है गोताखोर उसमें एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहे हैं जो कि कॉरप्ट है, वो मतलब डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है और उस डेथ सर्टिफिकेट के बेस पे 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लरेंस में जाती है, दैट इज़ अ कैरेक्टर। एंड अब सर बैठे हुए हैं रमेश सर, ही इज अ मेकर ऑफ एंड मैन बैन यस छोटा मोटा कोई कैप्टन हूँ तो उसके बड़े से बड़े मतलब ओनर यही है। तो रमेश जी बहुत बहुत बधाई आपको दोनों फिल्मों के लिए। थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। कितने एक्साइटेड हैं दोनों, दो दो फिल्में लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ऐसे। और कोरोना काल के इस दौरान सब लोग जीना भूल गए थे, लोग बड़े उसमें थे, तकलीफ में थे, उसके दौरान आप दो दो फिल्में लेकर आ रहे हैं, बड़ी बात है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? एक्चुअली इसका योगदान हमारे डायरेक्टर राइटर मिस्टर संजीव राजपूत को जाता है। ये हमारे दोनों प्रोजेक्ट कोरोना काल से पहले ही मतलब हमारा जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो ऑलरेडी हम कर चुके थे और इस पर प्लानिंग जो है करीब एक साल से चल रही है। तो अभी क्या है कि हम दो फिल्मों को एक साथ मतलब प्लान कर रहे हैं कि इसका एक फिल्म हमारा जो है डैम ग्रेवयार्ड है जो कि हॉरर मिस्ट्री पे डिपेंड करती है, एंड सेकंड हमारा गोताखोर है जो कि एक तैराक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है अपनी फिल्म में। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ निगेटिव्स हैं, बट स्टोरी इज वेरी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। एंड हमारे जो मेन मतलब आर्टिस्ट हैं वो पुरुष देवू जी, हमारे श्री शिवा रिंगानी जी ऑलरेडी सभी बहुत हमारे नामचीन आर्टिस्ट हैं, और डायरेक्टर हमारे संजीव, दोनों फिल्मों के कंटिन्यू राइटिंग का काम भी इन्होंने कर रखा है। और इसके अलावा हमारे स्टार कास्ट में अंजू यादव हैं और जुबेर खान। तो हम इस फिल्म को 15 फरवरी से फ्लोर पर लेकर जा रहे हैं, हमारी शूटिंग 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। आपकी गलती कर देते हैं कैरेक्टर देते हैं बराबर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर ने ऐसा? पहली बात तो क्या है कि वो डॉक्टर रुस्तम पावरी का कैरेक्टर इतना हावी हो गया है ऑडियंस में कि नोबडी नोज माय रियल नेम कुरुश देवू, पीपल नो मी फॉर डॉक्टर रुस्तम पावरी। बट जैसे मैंने 50 फिल्में की है उसमें अलग अलग किरदार है, तो ये भी फिल्म है मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। हमारी मुलाकात तो बहुत सालों से पहचान है, संजीव कुमार सर ने मुझे पहले भी कास्ट किया था, और अब ये जो फिल्म है वो हॉरर जोनर है और मैं अपनी लाइफ की पहली हॉरर फिल्म कर रहा हूँ, मतलब मेरा सबसे फेवरेट जोनर था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी हॉरर फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला है। आज मैं पहली बार करने जा रहा हूँ डैम ग्रेवयार्ड में, जिसमें मैं हीरोइन का फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, एक रिच
बिजनेसमैन है और मतलब अपनी बेटी के खुशियाँ के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है, इतना वो अपनी बेटी को चाहता है, इज अ बिल्डर। और कैरेक्टर जो है वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है, कहानी तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो तो डायरेक्टर सर आपको बताएंगे, बट ये जो कैरेक्टर है ये फिल्म में इंटरवोवन टू हॉरर सब्जेक्ट पे है और शिवाजी के साथ भी मेरे बहुत अच्छे इंटरेक्शन है रोल्स में। सो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज अ बिजनेसमैन। और जो गोताखोर है जिसमें मैं डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, करप्ट डॉक्टर, उसके बेस पे पूरी फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर बनती है। सो एक कहे तो ये कैटालिस्ट है, तो दोनों फिल्म मेरे लिए मायने रखती है। मिस्ट्री थ्रिलर वैसे मैंने किया था, कसूर किया था, बहुत सारी मिस्ट्री थ्रिलर किया था, बट ये एक अलग जोनर है। जैसे उन्होंने डायरेक्टर सर ने और जुबेर खान ने बताया कि एक पानी के रिलेटेड है और वो एक नया थ्रिलर देता है, क्योंकि अंडर वाटर जो फिल्म होती है जिसके अंदर जो उसके थ्रिलर के न्यूएंसेस होते हैं वो नॉर्मल थ्रिलर से डिफरेंट होते हैं और उसमें रोमांस ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ अंडर वाटर। और नेचुरली कभी कोई आदमी जो एक नॉर्मल आदमी को आप पानी के अंदर डालते हो तो उसकी क्या दुविधा होती है वो कैरेक्टर को ही पता चलती है। तो वैसे ही ये एक फिल्म है गोताखोर, तो मेरे लिए ये दोनों फिल्म यूनिक है। और मैं विश करता हूँ कि जो संजीव कुमार जी ने इतनी लंबे अरसों से ये लिखी, इतनी मेहनत की और अब कोरोना के बाद मतलब उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अभी कोरोना की इफेक्ट भी कम हो गई है, तो ये दो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आए कि संजीव कुमार जी और रमेश सर दोनों फिल्म शुरू कर रहे हैं एक कॉन्फिडेंस, तो इससे प्रेरणा मिले दूसरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कि अभी हम लोग मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो आई विश देम गुड लक। हमारी कास्ट अच्छी है, जुबेर जी अनु जी है दोनों हमारे फिल्म के हीरो हीरोइन, और ये दोनों प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जोनर है, हॉरर जोनर अलग है, मिस्ट्री थ्रिलर अलग है, और दोनों फ्लोर पे जा रहे हैं 15 फरवरी से। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट कि इतनी मेहनत करके इतना डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, पूरी हटके फिल्म्स है दोनों। आई विश देम ऑल द बेस्ट, कास्ट एंड क्रू को ऑल द बेस्ट टू देम, एंड इंशाल्लाह ये दोनों प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर सक्सेसफुल हो। कास्टिंग डायरेक्टर है, उनसे फोन किया कि सर एक दो फिल्म बन रही है उसमें आपको करना है, तो मैंने बोला पहले कैरेक्टर बताओ, क्योंकि हर दूसरे दिन फिल्में ऑफर होती रहती है, अच्छी होती बुरी होती, तो हाँ यहाँ करना पड़ता है। तो एक दिन डायरेक्टर का फ़ोन आया, इससे मैं आपको 10 मिनट लूँगा, आई डायरेक्ट यू टू लाइन्स और आपको देखिए कैसा लगता है, इफ यू इंटरेस्टेड। अच्छा ठीक है, मैंने फ़ोन पे ही सुना, फ़ोन में मैंने इतना ही बोला, पैसे और डेट तुम्हारे, ये फिल्म दोनों मेरी, क्योंकि ये नरेशन के बाद मैंने बोला ये मेरी फिल्म मुझे करनी है, आई हैव टू डू एंड आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम गोइंग टू डू इट। सो इस कैरेक्टर्स में और कोई नहीं आएगा मेरे से, डेट्स तुम जो मांगो वो, पैसा जो बात करो। माई फिल्म इज डिफरेंट, बट मैं इनके भी आप पे बोलूँगा, इनके भी आप पे बोलूँगा, दिस फिल्म बोथ द फिल्म्स आर रियली रियली डिफरेंट। जब बन के आएगी स्क्रीन पे तब लोगों को यकीन आएगा, यही लव्स लोगों को इको होगा कि शिवा ने बोला था इन लोगों के बिहाफ पर कि फिल्म डिफरेंट है, वो वाकई में दोनों स्क्रिप्ट डिफरेंट।